टू माई चैनल बनर्जी मंत्रा। दोस्तों सौरभ जोशी के ऊपर रिएक्शन है, उनका एक गाना अभी रिलीज़ हुआ है फटी जीन्स करके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो गाना मैं सुन रही थी, अभी दो दिन हुए हैं, दो तीन दिन हुए हैं रिलीज़ हुआ है, तो वो गाना मैं सुन रही थी। सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा ये मतलब गाना ही अजीब लगा, और इसमें सौरभ जोशी का होना भी अजीब लगा, क्योंकि एक सौरभ जोशी जो है वो एक जाने माने इंडिया के व्लॉगर हैं, डेली व्लॉगर हैं और हाईएस्ट पेड डेली व्लॉगर हैं, वाईटी से सबसे ज़्यादा इनकम करने वाले डेली व्लॉगर हैं ये। तो इनको लेके ये एक गाना किसी क्रिएटर ने बनाया है, लाल टी शर्ट वाले ने, तो उसके विषय में थोड़ा सा वो गाना जब मैं देख रही थी तो ज़्यादा थोड़ा देख रही पूरा एक साथ ढेला नहीं जा रहा था, तो वो गाना मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, अच्छा नहीं लगा, बेकार लगा। तो आप लोग ने भी वो गाना देखा होगा। वो गाना जो है वो स्टार्ट होता है कि भाई की टी शर्ट है थोड़ी लूज, फटी जीन्स, भाई की टी शर्ट है थोड़ी लूज, और क्या है कि पहाड़ों में करे क्रूज़। क्या क्या इसका देखे, यही देख ही रही हूँ, ये गाना ही देख रही हूँ, पहाड़ों में करे क्रूज, और मतलब गाना लिरिक्स भी नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ लीजिए। पहाड़ों में करे क्रूज, बाकियों को करे स्मूज, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सौरभ जोशी ने ये गाना किया क्यों, इनको लिया क्यों गया मुंडी हिलाने के लिए। पूरे गाने में सौरभ जोशी जी ने मुंडी हिलाई है, पीयूष जोशी ने मुंडी हिलाई है, और इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। सौरभ जोशी एक ब्लॉगर है, उनको सिंगर ही बनना था, अगर उनको सिंगर ही पसंद था, सिंगर बनना था, तो अपने नाम का चैनल का नेम सौरभ जोशी ब्लॉगर ब्लॉग न रख के सौरभ जोशी सिंगर भी रख सकते थे। पूरे गाने की अगर आप लिरिक्स सुनेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वो कर रहे हैं, ये लाल टी शर्ट वाला भी क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है, कुछ नहीं पता है। ये देखिए, ऐसे लोग मुंडी हिला रहे कि वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं वो गाना। हम लोग को भी तो एंजॉय होना चाहिए, व्यूवर्स के लिए होता है, खुद के लिए थोड़ी ना होता है। आई थिंक इनको इसलिए लिया गया है कि सौरभ जोशी के मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इनको अपने उस पर इसीलिए मिलियंस व्यूज भी आ गए हैं। इनको जो है इसीलिए मिलियंस व्यूज भी आ गए हैं, और भैया क्या सोच के ये गाना लिख करा है, कहने थोड़ी देर देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें चल क्या रहा है, कि क्या चल रहा है, ये क्या दिखाना चाहते हैं। खैर, ये देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, शायद कुछ समझ में आए। गाना भी नहीं अच्छा है, सौरभ जोशी की एक्टिंग भी नहीं अच्छी, अच्छे खासे ब्लॉगर को क्या बना दिया। बहुत देर देखने के बाद एक लाइन समझ में आई कि हमारे घर के बाहर भीड़ भरी लाइन लगी रहती है, तो मुझे लगा आई थिंक ये जो रैपर है जो सॉन्ग गा रहे हैं इन्होंने सौरभ जोशी को लेके ये बात कही है, क्योंकि बहुत बड़े जो क्रिएटर्स होते हैं, नामी गिरामी क्रिएटर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, उनको उनके फैंस भी बहुत सारे होते हैं, उनको अगर घर उनका पता चल जाता है फैंस को, तो घर के आगे भी लाइन लगा लेते हैं। जैसे आप देखते हैं ना सलमान और शाहरुख के घर के आगे ऐसे लोग इकट्ठे रहते हैं, तो कुछ यूट्यूबर्स भी फेमस ज़्यादा हो जाते हैं तो सेलिब्रिटी समझ लीजिए। सौरभ जोशी तो फिलहाल उतना मतलब एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं, अपने को सेलिब्रिटी नहीं शो करते हैं, लेकिन काफ़ी जाने वाने हैं, और क्या कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। मुझे ये गाना ही नहीं समझ में आ रहा है, और क्यों किया है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। इसमें देखिए एक डांसर भी डांस कर रही है। देखिए इसमें डांसर भी डांस कर रही है,
वो थोड़ा सा अगर रैपर है सौरभ जोशी की हाइट से छोटी होती तो समझ में आता, उनसे भी लंबी है वो, जोड़ा लग ही नहीं रहा। अब वो सौरभ जोशी की कोई बहन वहन नहीं है, वो तो कोई डांसर ली गई है क्योंकि एक म्यूजिक एल्बम है तो उसके लिए कोई डांसर लिए गई है। ताकि तेरे गाने हेटर्स के भी कैप्शन हो। जितने हिमाचली या पहाड़ी व्लॉगर्स होते हैं, जितने भी होते हैं, वो मैगी बहुत पसंद करते हैं। उनके पूरे व्लॉग में आपको मैगी मैगी मिलेगी, चाय मैगी चाय मैगी। समझ में आया? कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, काफी गलतियां भी हैं इसमें, काफी गलतियां भी हैं। कई जगह हो सामने मोबाइल रखा है, अचानक से आप पलटे तो देखा मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल नहीं रखा है, काफी चीजें इनमें गलतियां भी इन्होंने की हैं। सौरभ जोशी जी को डांस वांस कुछ नहीं आता है, बस उनको मुंडी लाने का काम दिया गया है। तो आपको सिर्फ यही बताना था, मेरा वीडियो इसी पे था कि सौरभ जोशी का जो ये एल्बम है आपका फटी जीन्स करके, इसके लिरिक्स नहीं समझ में आए, क्यों किया सौरभ जोशी जी ने ये भी नहीं समझ में आया। पूरी एक साथ अगर हम इस म्यूजिक एल्बम को या गाने को सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं झेल पा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं झेल पा रहे हैं, एक साथ देख ही नहीं पा रहे हैं, कुछ अजीब सा लग रहा है। और वो जो रेड टी शर्ट वाले भैया हैं रैपर, वो तो बहुत ही अजीब सा डांस कर रहे हैं। जो डांसर लाए वो अच्छा डांस कर रही है, लेकिन वो काफ़ी इनसे लंबी उम्र भी है तो वो मैच भी नहीं बैठ रहा है। तो किस तरह से किया है, क्यों किया है, ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं या उनका ही इरादा होगा। मुझे लगता है कि सौरभ जोशी व्लॉगिंग में ही सही है, डेली व्लॉगिंग में ही सही है, म्यूजिक एल्बम में ट्राई ना करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए इनके म्यूजिक एल्बम देख लीजिएगा फटी जींस, फोटोज़ में लगा दूंगी, बताइएगा फिर आप अपने ओपिनियंस भी बताइएगा, हेटर्स दूर रहिएगा, मेरी वीडियो को ख़राब करने बिल्कुल मत आइएगा, नेगेटिव कमेंट्स अप्रूव नहीं करूंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बोर करूंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगी। मिलते हैं आप सब अगले वीडियो पे, तब तक के लिए